नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पे। मैं हूं मोहन सुथार, स्मार्ट कंप्यूटर सेंटर रायसेनगर से। दोस्तों, आज यानी कि 6 मार्च 2022 को जो RCIT का एग्जाम हुआ था, उसके आंसर की ए सीरीज के साथ हम आपके साथ मिलान करेंगे। अगर आपके साथ इसके अलावा बी, सी या डी सीरीज की है तो आप अपने क्वेश्चन को देख के इसके साथ टिक मार्क करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हमारे पास ए सीरीज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है? तो जो इसका राइट आंसर रहेगा, बुद्धि का अभाव, यानी कि पहले क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। तो दोस्तों, अभी तक आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर भी जरूर करें। क्वेश्चन नंबर दो, एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज पर पेंसिल द्वारा लिखी गई जानकारी स्कैन और पढ़ता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि OMR इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीन है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एक उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों, इसके अंदर सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, लिनक्स का। तो क्वेश्चन नंबर चार, भी विंडोज में स्टार्ट बटन का उपयोग इसके लिए किया जाता है, एप्लीकेशन को लॉन्च करने के लिए, डिवाइस सेटिंग करने के लिए, सिस्टम को बंद करने के लिए या उपरोक्त सभी? तो जो राइट आंसर है इसका बिल्कुल डी आंसर राइट है, यानी कि उपरोक्त सभी ऑप्शन हम स्टार्ट बटन के साथ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर पांच, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को वास्तव में एक्चुअली में लागू नहीं करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका MS-DOS, यानी कि MS-DOS एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मल्टीटास्किंग वर्क करने में सक्षम नहीं है। क्वेश्चन नंबर छह, मोडेम का पूर्ण नाम क्या है? तो राइट आंसर इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का। तो क्वेश्चन नंबर सात, WWW का पूर्ण नाम क्या है? तो आंसर इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब। क्वेश्चन नंबर आठ, UPI यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है? तो राइट आंसर है इसका, पैसा भेजने के लिए। तो आठवीं क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर नौ, क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण क्या है? गूगल ड्राइव भी क्लाउड स्टोरेज का प्लेटफॉर्म है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव भी है, ड्रॉपबॉक्स भी है, यानी कि उपरोक्त सभी। नौ नंबर का आंसर डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर दस, माइक्रो ब्लॉगिंग का निम्न में से कौन सा एक उदाहरण है? राइट आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, MOOC यानी कि मॉक का पूरा नाम क्या है? तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स, यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन का ए आंसर राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12, नागरिक ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के लिए कैसे पंजीकरण कर सकते हैं? ई मित्र के द्वारा भी कर सकते हैं, रोजगार विभाग की वेबसाइट पर भी जाके कर सकते हैं, यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन, ए और बी दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 13, SSO का पूरा नाम क्या है? SSO का पूरा नाम सिंगल साइन ऑन, यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल के संदर्भ में EPIC क्या है? तो राइट आंसर इसका, चुनाव फोटो पहचान पत्र, यानी कि 14 नंबर का बी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, TDS के लिए पूरा नाम क्या है? यानी कि TDS की फुल फॉर्म क्या रहेगी? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी कि स्रोत पर कर कटौती। 15 नंबर आंसर क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई है? इसका जो राइट आंसर है सी ऑप्शन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस पे। क्वेश्चन नंबर 17, GPS का पूरा नाम क्या है? तो सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा इसका, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। 17 नंबर का सी ऑप्शन राइट आंसर है। हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? तो वाईफाई की आवश्यकता होती है। 18 नंबर का ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 19, पेज ओरिएंट का ऑप्शन किस टैब में होता है? पेज लेआउट में, यानी कि 19 नंबर का ए ऑप्शन सही है। टाइम न्यू रोमन्स क्या है? एक फॉन्ट है। तो 20 नंबर का ए ऑप्शन राइट आंसर है। 21 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा फीचर सिलेक्टेड एरिया के लिए फॉर्मेटिंग को हटाता है? तो राइट आंसर इसका रहेगा ए ऑप्शन, क्लियर फॉर्मेटिंग, यानी कि 21 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22, एक्सेल वर्कबुक निम्न में से किस संयोजन से बनती है? तो वर्कशीट और चार्ट के संयोजन से एक एक्सेल वर्कबुक बनती है, यानी कि 22 नंबर ऑप्शन का डी ऑप्शन राइट रहेगा। एक बॉक्स, एक नाम बॉक्स
पूर्व में रही एक्टिव सेल की लोकेशन को दर्शाता है या फॉर्मूला बार संबंध के लेफ्ट की ओर दिखाई देता है, तो 23 नंबर का आंसर है जो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा, यानी कि फॉर्मूला बार है जो हमेशा लेफ्ट की ओर दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 24, एक प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? F5 का बटन भी हम दबा सकते हैं, स्लाइड शो के मेन्यू के ऑप्शन में भी जाके इसको कर सकते हैं, या स्लाइड शो मेन्यू के रिचार्ज टाइमिंग, यानी कि सी ऑप्शन नहीं है, ए और बी, यानी कि हम F5 से भी कर सकते हैं और स्लाइड शो के मेन्यू के अंदर जाके भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो 24 नंबर का जो क्वेश्चन है ए सीरीज का, उसका डी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बहुतायत में उपयोगी होता है, टीचर के लिए नोट्स बनाना, स्टूडेंट के लिए प्रेजेंटेशन तैयार करना, प्लानिंग की सूचना को संचार की तरह क्या करना, या उपरोक्त सभी, यानी कि सारे काम हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की तरफ से कर सकते हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, पावर पॉइंट में पहले से इंसर्ट इमेज को एडिट करने से क्या घटित होता है? विस्रोत में जो फाइल इंसर्ट की गई थी वो चेंज नहीं होती, यानी कि आप इसके अंदर कुछ एडिटिंग नहीं कर सकते, कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। तो 26 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट आंसर है। तो जो क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से कौन सा मेलिंग शिष्टाचार एक्चुअल के रूप में माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा संक्षिप्त ब्रीफ और उचित विषय, यानी कि 27 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, ईपीडीएस का विस्तृत नाम क्या है, यानी कि पूरा नाम क्या है? ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि 28 नंबर का सी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, विंडो 10 में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता वर्ड फाइल का उपयोग करके, तो 29 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30, आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार सेटिंग में उपयोग किया जाता है? तो POP3 का किया जाता है, यानी कि 30 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का यूजर अकाउंट विंडो 10 में नहीं है? तो विंडो 10 में स्टैंडर्ड भी नहीं होता और एडमिनिस्ट्रेटर भी नहीं होता, तो इसका राइट आंसर दोनों ए और बी, यानी कि 31 नंबर का सी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से किसका प्रयोग करके आप विंडो 10 में अनइंस्टॉल कर सकते हैं प्रोग्राम को? तो सेटिंग ऐप से कर सकते हैं, कंट्रोल पैनल की सेटिंग में भी हम जाके कर सकते हैं, तो यानी कि हम डी, ए और बी दोनों ऑप्शन से हम किसी भी प्रोग्राम को विंडो 10 में अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो 32 नंबर क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 33, HDMI HD क्या है? तो HD का मतलब हाई डेफिनेशन, तो राइट आंसर का मतलब हो जाएगा इसके अंदर सी ऑप्शन, 33 नंबर क्वेश्चन का हाई डेफिनेशन सी राइट आंसर है इसका। और उसके बाद में 34 नंबर जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वेद प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी विकल्प नहीं है? तो इन्वर्टेड किसी भी प्रकार की कोई कनेक्टिविटी नहीं होती, तो 34 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35, नवीनतम एंड्रॉयड मोबाइल कौन सा है? तो राइट आंसर इसका रहेगा 35 क्वेश्चन का नोगेट, यानी कि 35 का डी ऑप्शन राइट आंसर है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज यानी कि RSCET एग्जाम 6 मार्च 2022 को जो एग्जाम था उसके आंसर की ए सीरीज के साथ, आप अपने इसी के अकॉर्डिंग अपने बी सी या डी सीरीज के साथ इसको क्वेश्चन को टिक मार्क कर सकते हैं। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।